टेक्निकल रघु चैनल में सभी का स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका परिचय एक ऐसे सज्जन से कराना चाहता हूँ जो एसटीपी और इलेक्ट्रिकल के बहुत ही महारथी हैं। उनका नाम अमित सिंह है, जो एसटीपी का और इलेक्ट्रिकल का पूरा काम बहुत ही खूबसूरती से पंपों पर करते हैं। परसों भी इन्होंने एक पंप पर एसटीपी इंस्टॉल की है। आइए जानते हैं कि ये एसटीपी कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अमित जी बताइए कि कौन कौन सी एसटीपी आपने अभी तक इंस्टॉल की है और कब से काम कर रहे हैं इस लाइन में, पेट्रोल की लाइन में कब से काम कर रहे हैं? पाँच साल हो गए। तो 5 सालों में कौन कौन सी एसटीपी आपने अभी तक लगाई है? दिनवारको की लगाई है, फिर बेसरबैन की लगाई है? दोनों लगाए। दोनों एसटीपीओं में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, कुछ बताएंगे जरा आप? एसटीपी सेम होती है, खाली इसके बॉक्स अलग होते हैं, उसमें डबल होते हैं, इसमें सिंगल होते हैं। अच्छा, तो कौन सी एसटीपी दिलवारको की एसटीपी की ग्रेसरबैन की कौन सी जल्दी लग जाती है? दोनों एक सी है। पहले आप काम करते थे जब चेकवॉल चलते थे और अब एसटीपी चलने लगी है, तो कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आ रही है? पहले चेकवॉल अच्छे थे कि अब एसटीपी सही है, क्या कहते हो? अब एसटीपी सही है, चेकवॉल में ज़्यादा दिक्कत है। क्या उतारना? अच्छा, गर्मी के मौसम में एयर बनानी मशीन हो, डीजल पिक्चर की आती थी, पेट्रोल से ज़्यादा। ढाल वगैरह का भी कोई चक्कर था क्या? हाँ, ढाल। तो अभी पहले चेकवाल वाली मशीनों में ढाल करना पड़ता था। हाँ, स्लोप करना। और ये जो इसमें स्लोप होता है लेकिन कम बनाया गया। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने एक यादव जी जो थे वो भी अमित जी की तरह काम करते थे, उनका एक इंटरव्यू आप लोगों के सामने दिया था। और इस वीडियो में मैंने अमित जी से पूछा है, जो कि 5 सालों से एसटीपी और पंपों की मशीनों को इंस्टॉल करा रहे हैं, तो मशीनों को इंस्टॉल करते समय कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए? आप हमारे जो दर्शक हैं जो डे टू डे में काम करते हैं, बताइए आप। मशीनों को इंस्टॉल करने की सावधानी ये होती है, ज़्यादा मशीन है तो उसका सेरवाल क्रेक हो जाता है। ओके, आपका मतलब है कि जब भी मशीन को इंस्टॉल किया जाए तो उसका सेयर वाल को बड़ी सावधानी से किया जाए। ओके, क्योंकि वो कास्ट का होता है, इसलिए टूटने का। और कुछ वैसे टूटने वाला नहीं, वही ऊपर तो फिल्टर का है, ज़्यादा घुमा देने तो फट जाता है। फिल्टर का जो जहाँ पर फिल्टर फिट करते हैं, इनलेट फिल्टर है, वो फट जाता है, उसको भी सावधानी का पूर्वक करना चाहिए। तो हमारी तरफ से अमित सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने ऐसी टेक्निकल जानकारी दी जो आप सभी लोगों को बहुत काम में आएगी। कृपया चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मैं दिन प्रतिदिन आपको वीडियो के माध्यम से साझा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।